आएगा एक्सीडेंट, क्यों अनुज और अनुपमा को मिली बद्दुआ, कैसे निकालेगा अनुज पाखी की होशियारी, कौन सी नई खिचड़ी पक रही है तोशु के दिमाग में। अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड मान फैंस के लिए काफी ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से तोशु, पाखी, डॉली और साथ ही लीला अनुपमा की खुशी में जहर घोलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि मान की शादी के लिए शाह परिवार के कुछ लोग खुश होने के बजाय अनुपमा को ही बुरा भला कहते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन बता दें कि अनुज, अनुपमा और आद्या इनकी बातों को नजरअंदाज कर देंगे, जिसके बाद वो और भी ज्यादा कुड़ जाते हैं। ऐसे में आद्या अपनी माँ यानी कि अनुपमा के लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेगी, जहाँ वो उन्हें अनुपमा की खुशियों पर बुरी नजर लगाने से टोक देगी और साथ ही मान की नजर उतारते हुए नजर आएगी। इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा मोमेंट शेयर कर रहे होंगे कि तभी वहां पर पाखी की एंट्री होगी और हमेशा की तरह पाखी अपनी माँ के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगी, जहां वो आद्या को उसके बीते हुए पास को याद करने को कहेगी ताकि वो भी अनुपमा से नफरत करने लगे। पाखी आद्या के कान भरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, वो उसे याद दिलाएगी कि कैसे उसकी माँ ने यानी कि अनुपमा ने उसे छोड़कर परी की जान बचा ली थी। पाखी आद्या को भड़का ही रही होगी कि तभी अनुज पाखी को वहीं रोक देगा और साथ ही उसे ये सब बोलने से मना कर देगा। वहीं किंजल अनुपमा से परी की बात करती हुई नजर आएगी, जहां वो उसे बताएगी कि परी एकदम से शांत रहने लगी है। इसके बाद अनुपमा किंजल को कहेगी कि परी ने छोटी सी उम्र में ही काफी कुछ देख लिया है, इसके चलते अभी फिलहाल उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो किंजल को तोशु से अलग होने के लिए भी कहेगी। वहीं आद्या अंश को अपने हाथों से खाना खिलाएगी तो डिंपल ये देखकर काफी ही चिढ़ जाएगी, जिसके बाद वो आद्या को सबक सिखाने की ठान लेगी। लेकिन वही शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तोशु आशा भवन के केयर टेकर से मिलता है और उसको बिकवाने की प्लानिंग करता है, जहां वो प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए अपना शेयर भी मांगेगा। लेकिन वही अनुज और अनुपमा अपनी अनु की रसोई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक मीटिंग में जाते हैं, जहां पर दोनों मिलकर शानदार प्रेजेंटेशन देते हुए नजर आएंगे। इस दौरान इन्वेस्टर्स मान की जमकर तारीफ करते हैं और प्रोजेक्ट पर सोचने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बा आशा भवन में तांडव करती हुई दिखेगी, जहां वो ये फैसला करेगी कि वो अनुपमा से अपनी ज्वेलरी ले लेगी और साथ ही उसे एक रुपया भी नहीं देगी। वहीं अनुज और अनुपमा प्रेजेंटेशन के बाद थोड़ी देर के लिए एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आएंगे, जहां पर दोनों का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा और साथ ही दोनों का लॉकेट भी टूट जाएगा। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब क्या नया मोड़ आएगा सीरियल में, क्या मान की हो पाएगी शादी या फिर लग जाएगी फिर से एक बार मान को किसी की बुरी नजर। क्या होगा सीरियल में नया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम।